हमने अपने बैग वगैरह निकाल चुके हैं, पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट पैकिंग पूरी डन नहीं हुई है। तो यस, पैकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, गैजेट्स वगैरह सब कुछ चार्जिंग पे लगा देते हैं और बहुत काम है। जैसा कि टाइम आप लोगों ने देख लिया, अभी बज रहे हैं रात के 1:03, बिकॉज इस व्लॉग को स्टार्ट करने का मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि रात से स्टार्ट कर देते हैं। तो टुडे इज संडे, संडे इज़ माय ऑलवेज हाई कार्ब्स डे। तो बिफोर बेड जो मेरी मील है वो है 2 brown breads विथ माई फिटनेस का पीनट बटर। यू कैन यूज़ माई कोड फिटपिन फॉर स्पेशल 10% डिस्काउंट ओनली ऑन myfitness.co.in, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ में दूध लूँगा एंड प्रोटीन। The next day. तो जस्ट अभी उठाऊँ मैं और रात को लेट सोया था, अराउंड 3 के आसपास हुआ था और 9 बज गए हैं, बिकॉज अब उठना भी पड़ा। भाई जो है जा रहा है अरुण। हेलो। सच बताऊँ तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज अभी जाने वाला, बिकॉज कितने 18 दिन रह गया था, काफ़ी मन लग गया तेरा है कगड़ा होना। तो वही है, तो बैठ के गाँव के किस्से को मिस करूँगा, उसको ही मिस करेंगे। अब जाने वाला है दूसरा भाई है, वो छोड़ के आ रहा है। और बता, तंबाकू का पानी पिएगा? तंबाकू का कल मैंने इसको ब्लैक कॉफ़ी पिलाई थी फर्स्ट टाइम, कहता है ऐसा लगा है तंबाकू का पानी हो। तंबाकू का पानी बोलते अब कैसे समझाया, जो लोग लोग गाँव में हुक्का पीते हैं ना, तो उसमें जो तंबाकू होता है उसका पानी लगा था। पिएगा? हाँ थोड़ा पी लूँगा। पक्का पीना है तो बता, नहीं तो मैं तो पीऊँगा ही। हाँ थोड़ा पी लूँगा। थोड़ा पिएगा तंबाकू का पानी? चल तू जा ले। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी। और जो सपना कितने सालों से मैंने देखा था ना कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और आप में से काफ़ी लोगों का भी वो सपना होगा ऑब्वियसली। और वो मैं रिवील अभी इतनी आसानी से नहीं करेंगे, थोड़ा सस्पेंस खेलने में थोड़ा मज़ा तो आने दो यार। नो गॉड प्लीज नो। मॉर्निंग हो चुकी है, जो मेरा भाई था वो जा चुका है एंड किसी और के साथ गया, दूसरे वाले भाई के साथ। पे हम अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर, अभी नहाए तो ही नहीं है, और बिल्कुल भाई अब जाना है तो भाई पैकिंग वैकिंग भी पूरी करनी पड़ेगी। नहीं है, ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बाल भी कटवाने पड़ेंगे साइड से, ऊपर से थोड़े से कम हो गए, एंड अपनी थोड़ी सी बियर्ड भी को भी ट्रिम व्रिम करना पड़ेगा अच्छे से, फिर फुल पैकिंग करनी पड़ेगी। मतलब यार अभी तो कुछ भी मैंने किया नहीं है, पैकिंग करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो पूरे दिन में, दिन की हमारी दिनचर्या होगी वो हम आपको दिखाएंगे। सही है, अभी 10 बज रहे हैं, अभी तो जस्ट ग्रीन टी पी थी, अभी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, फिर ब्रेकफास्ट एंड ऑल लेटली जो जो कुछ होगा आई विल अपडेट यू सून। जो भी सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंस्टाग्राम पे ग्रुप में खास का। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने ना फर्स्ट टाइम शायद, और मैं खुद ही कह रहा हूँ कि बिकॉज यार जो मैं नॉर्मली वीडियोज डालता था, जो आप लोग देखते हुए आ रहे हो, जो शायद नए होंगे, जो पुराने देखते हुए आ रहे होंगे, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा खुशी मेरे चेहरे पे बहुत ही कम देखने को मिली, बिकॉज मैं जानता था कि बिकॉज जैसा कंटेंट मुझे बनाना है वैसा मैं नहीं बना पा रहा हूँ अपने लिए। देखो, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम कुवैत जाएंगे तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे, तो यस हम बिल्कुल ही डेफिनेटली वैसे वाले ब्लॉग्स लेके आएंगे। ये भी उसका एक पार्ट है कि इस टाइप के ब्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कौन कहता है कि यार सपने सच नहीं होते यार, ड्रीम्स कम ट्रू। और मेरा मानना है कि देखो, सपने देखो और उन्हें पूरा करो, चाहे वो सपने छोटे हो या बड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि चादर पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन नहीं, चाहे चादर कितनी भी छोटी हो, तुम्हारे सपने बड़े होंगे। अगर सपने बड़े होंगे ना तो उन्हें तुम पूरा करने की कोशिश करो, अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो आप सोचोगे कि नहीं यार काश हमने ये किया होता, समझ रहे बात। तो ऐसी टाइप की थोड़ी बहुत ही ना मोटिवेशनल टाइप की रील्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ। आई होप कि जो इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको मेरी ऐसी रील्स बॉयज़ ओवर वाली ज़रूर अच्छी लगती है। तो जब मन दिल से जो आवाज़ आती है ना तो उसकी कुछ फीलिंग ही अलग होती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यार आप ही नहीं बताएंगे
तसल्ली करो, सस्पेंस खेलेंगे, बट मैं सब कुछ रेडी हो चुका हूँ। और बात थी, मैं जब एंड मोमेंट पर जब कुछ चीज़ें क्या है ना, वो होने लगती हैं, क्या होते हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो जैसे ही मैं ट्रिमर मैंने चलाने लगा, तो मतलब हल्का फुल्का ली, बस यहाँ पे वो कट मार पाया था, अच्छे से बियर ट्रिम नहीं करी। द टाइम इज़ 10:44 राइट नाउ, अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पूरे दिन में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी, बिकॉज बहुत सारे काम्स हैं जो पेंडिंग करने हैं। तो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज व्लॉग्स भी पेंडिंग है, वो भी मैं सोच रहा हूँ फटाफट एडिट करूँ और उनको अपलोडिंग पे अनलिस्टेड में लगा दूँ। बिकॉज तीन चैनल है, विपिन गुजेला एंड विपिन गुजेला व्लॉग्स, जॉब इन्फो विद विपिन गुजेला, इंस्टाग्राम का कंटेंट भी है, बिकॉज कुछ बैंड के लिए काम करता रहता हूँ, आप लोगों को मालूम है। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा बिकॉज अपने पास टाइम बहुत कम है। एंड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऐसा करेंगे कि हम पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ साथ क्या हम इंस्टाग्राम पर लाइव जाएंगे, बिकॉज काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाया करो। तो हम इंस्टाग्राम पर लाइव जाएंगे, जब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद एडिटिंग करने बैठेंगे, लेट्स सी जो भी कुछ होगा। स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको अपनी दिनचर्या की पूरी वो, और फटाफट मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत काम है, बिकॉज पैकिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, मुझे चार्जिंग करना है, मतलब बहुत कुछ, बहुत सारे काम पेंडिंग है। सच में बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। यू नो, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। डाइट को बिल्कुल आप फॉलो मत करना, बिकॉज ये बहुत ही डिफरेंट डाइट है। मैं काफ़ी ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बिकॉज ये मैं बहुत ही लो कार्ब्स खा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस डाइट, इससे पहले आपको बहुत सारी डाइट फॉलो करनी पड़ेंगी। और डाइट को लेके ऐसी बात है कि जो मेरा विपिन गुजेला व्लॉग्स वाला चैनल है, वहाँ पे हम फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, यहाँ पर भी हम कभी कभी डाल लेते हैं, बिकॉज ऐसी वीडियोस लोग यहाँ पे बहुत कम देखते हैं। तो यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट में हमने 20 ग्राम ओट्स लिया है, चिया सीड्स खत्म हो गए, तो फ्लैक्सीड पाउडर, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, हाफ बनाना लेना चाहिए था, बनाना ही तो ऑल्सो नॉट देयर मैन, ओ आई हैव अ मैंगो, सो वी कैन ऐड द मैंगो मैन। ट्राई करके देखना, ओट्स के अंदर मैंगो डाल के बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे लंगड़ा आम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वो लंगड़ा है ना, इसलिए तो मौसम भी खुशनुमान हो रहा है, वो भी हमें आशीर्वाद दे रहा है कि भाई आज का मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, और मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मैं शायद आई थिंक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना खुश हूँ ब्लॉग में क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, आई डोंट नो। शायद बियर्ड को लेकर मुझे ऐसा आया याद है कि शायद मैंने बोला था कि मैं जब बियर्ड ट्रिम करने वाला था, तो एंड मोमेंट पे शायद ट्रिमर जो है वो मेरा बंद हो गया, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा रखा, ट्रिम करेंगे। और आज बाल कटवाने भी जाना है, बिकॉज यू शुड लुक गुड मैन, राइट। और यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और इससे पहले क्या है, ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म हो जाए, हम इंस्टाग्राम पर लाइव जो है ख़त्म करके आपसे मिलते हैं बाद में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जो बज रहे हैं करेक्ट 1 बज चुका है, और यहाँ पे अब मेरी मील 2 का टाइम हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब आप लोग देख ही रहे हो मेरे चेहरे पे जो निखार आ रहा है। आई नो अभी वो पूरा बेल ट्रिम नहीं हुआ, अभी हम बाल कटवाने जाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा सेट करा लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज़्यादा कि बस बता नहीं सकता हूँ। और बहुत सारी पैकिंग वैकिंग सब कुछ करना है, अभी सिर्फ मैंने 3 वीडियो एडिट करी, इसके आने के बाद मुझे इंस्टाग्राम कंटेंट एडिट करना जाने से पहले, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब यार दिमाग ख़राब हो रहा, घर के कुछ काम है वो भी मेरे को ख़त्म करने। अभी हम मील 2 खाते हैं, मील 2 में हम लेंगे आज हम ऑमलेट्स खाएंगे, ऑमलेट्स हमने एग्स चालू कर दिए हैं 1.5 सालों के बाद, तो आज हम अपने 8 अंडों का ऑमलेट बनाऊंगा, जिसमें से 6 एग वाइट्स होंगे, 2 फुल एग्स होंगे, ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये रहा हमारा ऑमलेट, इतना प्यारा है, यम्मी और टेस्टी भी आई ना, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं कैसा खाना बनाता हूँ। इसको खाना खाने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। बताओ कैसे लग रहे हैं, हम लग रहे हैं ना, कोई देखेगा तो कोई कहेगा भाई कि हाँ भाई लौंडा है कोई। सो अब कटिंग वटिंग पूरा बियर्ड बियर्ड ट्रिम मसाज वसाज करा के थोड़ा फ्री ऑफ माइंड हो चुके हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और अभी मुझे पहले क्या है, भूख लग रही, तो अपनी लंच मैं खा लेता हूँ, और जिम तो खैर जाना ही जाना है, तो लंच में खा लेता हूँ, और उसके बाद क्या मुझे एडिटिंग करनी है, बिकॉज बहुत कंटेंट पड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसको फटाफट ख़त्म कर दूँ, बिकॉज
सच में यार बहुत सारे काम है अभी भी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बिकॉज एट द एंड जब ऐसी सारी चीज़ें होती है तो कुछ आपको समझ नहीं आता है। एंड आई नो आपने से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या सीन है क्या सीन है, आपको पता लगेगा थोड़ा। सस्पेंस सस्पेंस अपने को खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। जब तक आप कमेंट कर सकते हो जिसको जो भी कुछ कमेंट करना है। एंड या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, आई नो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तालियाँ नहीं बजानी आने वाले। अपने सोयाबीन वगैरह खाएंगे, ये काफ़ कम कर रखे हैं आप लोगों को पता है, तो हम सोयाबीन वगैरह खाएंगे। एंड यार काफ़ी लोग यार वो वाला व्लॉग मैंने डाला ही नहीं, मतलब व्लॉग्स भी इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा व्लॉग कब क्या करूं। फर्स्ट टाइम अपने घर वालों को अपने हाथ से बना हुआ हेल्दी पास्ता, हेल्दी होल व्हीट पास्ता एंड सम अनियन टमाटोज कैप्सिकम और थोड़ा सा जो बाज़ार में मिलता है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, बस तो घर में ही बना सकते थे बट वो बनाया है एंड हेल्दी है, मैदे का नहीं है, होल व्हीट है। और यहाँ पे मेरा खाना है, ये मेरे घर वालों के लिए। बिकॉज मॉम कह रही थी थोड़ी भूख लग रही है, मैंने कहा चलो आज पास्ता खिलाता हूँ, जाने से पहले आप लोगों को पास्ता खिला के जाता हूँ। कम से कम याद तो रहा है कि हमने पास्ता बना के खिलाया आप लोगों को, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। फटाफट सर्व करते हैं, द टाइम इज़ 4:15 राइट नाउ बिकॉज लेट हो रहे हैं खाना खाने के लिए। ये घर वालों के लिए हो गए, ये हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ते में मैंने नमक बहुत कम डाला, बिकॉज जब मैंने बॉईल किया था तभी नमक डाला है। वैसे तो सॉस में होता है, लेटरी खाने के बाद होगा तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे बट मज़ा नहीं आता है। पास्ता किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, आप कहना तो मानते नहीं कोई भी। मुझे पास्ता चाहिए। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने मम्मी के लिए बनाया, भूख लगेगी, लो चलो दे रहा हूँ, खा लो ठंडे में फिर बढ़िया ना लगे। बोलो बोलो क्या सर, उधर देख के बताओ। यम्मी आपको, हमने फर्स्ट टाइम खाया, अच्छा लग रहा, ठंडा गरम, ठंडा हो गया ठंडा, पता नहीं ठंडा क्यों हो जाता है, गरम गरम बनाया यार ये। अरे बताओ इसलिए होता है, ये ना एसी और पंखा चलते हैं, ओहो इसलिए होते हैं। हाँ चुन चुन, जो उन दोनों की शक्ति बन जाएंगी तो ठंडी नहीं होगी एक चीज। हाँ यार ये बात भी सही कही आपने, चलो खा लो।